Well, after the alleged gang rape of a 12-year-old child in Ayodhya, there seems to be massive outrage over the incident. While the crime, as heinous as it should spark anger and outrage, in the meantime, it has escalated into a political clash in Uttar Pradesh. The main accused in the case, identified as Mohit Khan, has links to the Samajwadi Party, and the Samajwadi Party leaders, instead of taking action, continue to make startling and outrageous claims, including the Samajwadi Party Supremo Akhilesh Yadav, who sparked a controversy when he demanded for a DNA test on the accused. He remains defined. Despite the outrage, he has been saying in the latest, claiming that the case is a conspiracy by the BJP to tarnish the image of the Samajwadi Party ahead of the bipolls. कोई political party अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि DNA test होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं? ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि DNA टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई, वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। मेरे पत्रकार साथियों, सच्चाई आप भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। Meanwhile, Akhilesh Yadav, who still continues to demand for a DNA test, his uncle and Samajwadi Party senior leader Shivpal Yadav has called it as a BJP conspiracy ahead of the bipolls in the state of Uttar Pradesh. Another Samajwadi Party leader, meanwhile, has gone to the extent of demanding a narco test on both the accused and the 12-year-old gang rape survivor. Then there is another one who says that this is a case that is being used by the BJP for political malice to tarnish the image of Samajwadi Party ahead of the bipolls. All of this commentary for a girl who is just 12 years of age, who was brutalized for months. She's expecting, she's pregnant, and this is what the netas are doing, openly assassinating her character. लेकिन ये तो इस तरह की घटनाएं और भी करा सकते हैं, जहां जहां चुनाव हैं इस तरह की घटना करा सकते हैं। तो हम तो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहेंगे कि सावधान रहें, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी सावधान रहें। अच्छा, आप नार्को टेस्ट की भी मांग कर रहे थे, तो पीड़िता और आरोपी दोनों का नार्को टेस्ट, हाँ, क्या बुराई है? तभी तो पता लगेगा कि पहला एप्लीकेशन क्या था, दूसरा क्या था, करने वाला कौन है, अपराधी कौन है। जो अपराधी है उसे फांसी दिया जाए, डीएनए टेस्ट हो जाए, क्या बुराई है? सारे सर्विलांस के जितने टेस्ट हैं वो आ जाए, क्या बुराई है? जितने टेस्ट होते हैं जिससे सत्यता सामने आ जाए, इसमें बुराई क्या है? जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया ना जाए, और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना, समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना, और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना। As far as the accused in the case is concerned, Mohit Khan, who has been photographed with the star Faizabad Samajwadi Party MP Avdesh Prasad, and he was also towing the SP line of DNA test today, has been claiming that the accused should be given a capital punishment as well. Avdesh Prasad himself has been saying that there are hundreds and lakhs of people who click pictures with him. निर्णय के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। जो भी आरोपी है, जो भी कल्पित है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, पार्टी में कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए,
और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। Well, surprisingly, when it comes to the self-proclaimed crusaders of Nari Nyay are not fighting for the Ayodhya gang rape survivor. They are not even demanding action against the accused Mohit Khan. In fact, there are some leaders within the Congress who are endorsing Akhilesh Yadav's demand for a DNA test as well. पर ये तो सीधा कानून का मामला है। जो भी करना है, सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी पहले क्षमा याचना करे कि एक बेटी की रक्षा नहीं कर सकी। दूसरा, जो भी अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। एक अपराधी घटना है, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो दोषी नहीं है उनके खिलाफ जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। What the sources have been saying when it comes to the BJP's three-member committee that went to Ayodhya headed by BJP Rajya Sabha MP Baburam Nishad has submitted its fact-finding report to the central leadership. This is said to be a four-page fact-finding committee report that apparently may have talked about when it comes to this case that is now concerned in the Ayodhya gang rape case and how this entire case in a way that has been politicized as far as the opposition in the state of Uttar Pradesh is also concerned. We also talk about the action that has now been taken by the Yogi Sarkar, because right after the accused bakery in Ayodhya that was bulldozed, there is an eviction notice on Mohit Khan's building as well that has now been issued. That has been a talking point as far as the action that has been initiated on part of the Yogi Sarkar in Uttar Pradesh. हम इस समय मौजूद है मोहित खान की उस बिल्डिंग में जिसमें पंजाब नेशनल बैंक चल रहा था। ये दो मंजिला बिल्डिंग है और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा मैन से कहूँ दिखाएंगे कि आगे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे दुकानें हैं उसको खाली कर दिया गया है। लोगों ने अपनी दुकानों को खाली कर दिया है। ये देखिए, यहाँ भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ अंदर जो भी दुकानें चल रही थी वो दुकानें सब खाली कर दी। अपने कैमरा मैन से कहेंगे कि अंदर तक दिखाएं कि किस तरीके से ये दुकानों को खाली कर दिया गया है। और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को नोटिस भी दी गई है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से बैंक दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई इस बिल्डिंग पर भी चलाई जाएगी और इस बगल में भी। और आगे चलते हैं, देखिए सारी दुकानों को खाली कर दिया गया है। ये दुकानें यहाँ पे जो दुकानें चल रही थी उनको खाली कर दिया गया है। ये सख्त कार्रवाई इसलिए की गई है कि मोहित खान समाजवादी पार्टी का वो नेता है जिसने 12 वर्ष की बालिका के साथ रेप किया था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने ये कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और इस तरीके की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Let me go across to Adeep, who is joining us live right now. Adeep, good afternoon. How do we understand, as one side, the action that has been initiated by the Yogi Sarkar, on the other side, when it comes to politicizing of this entire incident by the opposition is concerned? Well, definitely, Amita Se, Chief Minister Yogi Adityanath made it very clear on the day one when he spoke in UP Assembly that he will not be sparing the accused in the gang rape case. This is the heinous crime that we are talking about. And Chief Minister Yogi Adityanath was very clear. In fact, he met the mother of the victim at his residence in Lucknow and assured that strict action will be taken against the accused. And we saw how 2 days back the demolition drive was carried out in Ayodhya against the accused. And now the Ayodhya administration has even served eviction notice to other properties, the illegally constructed properties of Mohit Khan. These are the properties that he constructed illegally, and the Ayodhya administration has served eviction notice. They have given some time to the commercial establishment that were running in his properties to evacuate, to vacate those buildings. And after that, the demolition drive will continue. The Yogi government will be taking strict action against the Mohit Khan and the other accused in the Ayodhya rape case. However, the Samajwadi Party is still talking about the DNA test. In fact, Akhilesh Yadav this morning said that we are demanding for the DNA test, and it's the family of the accused that is demanding the DNA test. It's the BJP government that is conspiring in Ayodhya, Amita. All right, Adi, please do stay on with us, because such has been, as far as the developments that are concerned with this case of the gang rape of a minor, which is now concerned, and in a way the action that has been initiated on part of the UP government as well, in a way being equated on part of the opposition in the state of Uttar Pradesh, calling it as a bid to tarnish the image of the Samajwadi Party. The party itself has been saying that they have been carrying out internal inquiry, but still no action has been taken against Mohit Khan. Thank you, Adi, for getting us those updates.